इस समय की सबसे बड़ी न्यूज कतर और भारत को लेकर आ रही है। अब कतर के बारे में तो आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में कतर बहुत ही कट्टर मुस्लिम देश है, और जो न्यूज अपडेट कतर और भारत को लेकर आ रही है ये लिंक्ड है भारत के 8 रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर से संबंधित, जिनको कतर ने पिछले साल डिटेन किया था, यानी एक तरह से अरेस्ट किया था। अब हम इस मुद्दे को एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कतर की सरकार ने जिन भारत के 8 इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को अरेस्ट किया था उनको बहुत ही बड़ी रिलीफ दी है, और भारत की सरकार और जो कतर में भारत की एम्बेसी है उसकी 3 बड़ी डिमांड्स को फिलहाल के लिए मान लिया है। अब इस चीज के लिए हमें कतर को थैंक्स बोलना चाहिए या फिर नहीं, ये तो खैर आप ही अच्छे से जज कर पाएंगे, और इसी चीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें, और इसके साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक पेस्ट किया है। हम बहुत ही जल्द इंस्टाग्राम के ऊपर भारत की विदेश नीति से संबंधित वहाँ पर कुछ लाइव सेशंस करने वाले हैं, सो प्लीज इंस्टाग्राम के ऊपर भी कनेक्ट हो जाएं। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि पिछले साल 2022 के अगस्त महीने में कतर की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके पर्सनल्स ने अचानक से 8 इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स को कतर के अंदर वहाँ पर अरेस्ट कर लिया था, और उस दिन से आज तक वो कतर की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी डिटेंशन में है, और अभी तक उनकी वहाँ पर इंटरोगेशन चल रही है। अभी जो 8 इंडियन नेवी के ऑफिसर्स कतर में थे इनके ऊपर आरोप है कि ये सारे मिलकर इसराइल के लिए जासूसी का काम कर रहे थे और वहाँ से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और डेटा चोरी करके इसराइल को ट्रांसफर कर रहे थे। इसलिए इन 8 इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स के ऊपर कतर के अंदर वहाँ पर जासूसी और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से संबंधित वहाँ पर चार्जेस लगाकर इनके खिलाफ कतर की कोर्ट में वहाँ पर एक केस फाइल कर दिया गया है, जिसकी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर स्टार्ट हो गई हैं। अभी जो भारत के रिटायर्ड ऑफिसर्स थे ये कतर के अंदर वहाँ पर कतर की नेवी के एम्प्लॉयज थे। दरअसल कतर की नेवी ने वहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसके तहत उस कंपनी ने भारत के इन 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को वहाँ पर हायर किया था, और ये सारे भारत के रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स कतर की नेवी के पर्सनल्स को वहाँ पर ट्रेनिंग दिया करते थे और वहाँ पर बाकी सर्विसेज किया करते थे। यानी कहने का मतलब है कि ये जो भारत के रिटायर्ड ऑफिसर्स थे ये कतर की आर्म्ड फोर्सेस के डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं थे, बल्कि बीच में एक रिक्रूटिंग एजेंसी थी जिसके थ्रू उन्होंने इनको हायर किया था। अभी पिछले साल से यानी अगस्त 2022 से अभी तक कतर के अंदर वहाँ पर डिटेंशन में है। इनके ऊपर केस फाइल किया गया है, लेकिन अभी तक इनके द्वारा भी 8 बार इनकी बेल के लिए रिक्वेस्ट कर ली गई है, जो कि कतर की अथॉरिटीज ने वहाँ पर 8 बार रिजेक्ट कर दिया है, और जो इनकी डिटेंशन है उनको लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। अब जो ये भारत के 8 ऑफिसर्स हैं इनके खिलाफ जो चार्जेस लगाए हैं वो भी कतर ने अभी तक भारत को नहीं बताए हैं, लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि इनकी जो कोर्ट में हेयरिंग्स थी जो इनके खिलाफ वहाँ पर ट्रायल चलना था वो स्टार्ट हो गया है, और कई महीनों के इंटरोगेशन के बाद इसी साल के जुलाई महीने में उससे संबंधित वहाँ पर 2 हेयरिंग्स भी हो चुकी हैं। अब जो अगली हेयरिंग होनी है इस पूरे केस में वो अक्टूबर 3 को होनी है। अब आप खुद ही सोचिए कि इन 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स को पिछले साल अगस्त में अरेस्ट किया था, और अब साल 2023 का अगस्त महीना आ चुका है, यानी ये पिछले 1 साल से अभी तक वहाँ पर जेल के अंदर बंद है, और पिछले 1 साल से कतर की सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार इनको इंटरोगेट कर रही है, और न जाने अभी तक इनको कितने प्रकार के टॉर्चर्स को वहाँ पर सहना पड़ा होगा। लेकिन इसी बीच अब कतर से खबर निकल कर आ रही है कि पूरे 1 साल के बाद अब कतर की गवर्नमेंट ने इन भारत के 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को एक थोड़ी रिलीफ देने का फैसला किया है, और इनको लेकर कतर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कतर की अथॉरिटीज हैं, उन्होंने 3 बहुत ही बड़ी घोषणाएं की हैं। रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि भारत के इन 8 इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स को वहाँ पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर रखा जाएगा। रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि भारत के इन 8 इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स को पूरे 1 साल के बाद अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर निकाला जाएगा, यानी इनके खिलाफ जो केस चल रहा है वो पूरे तरीके से वहाँ पर चलता रहेगा, और जो कोर्ट की प्रक्रिया होगी वो तो खैर पूरी होगी। लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर निकालने का मतलब है कि अभी तक क्या होता था कि ये जो भारत के 8 इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स थे इनको अलग अलग जगह अलग अलग सेल के अंदर अकेले बंद करके रखा था, लेकिन अब कतर की अथॉरिटीज ने फैसला किया है कि अब इन भारत के 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स को ट्विन शेयरिंग बेसिस के ऊपर वहाँ पर 1 सेल के अंदर रखा जाएगा, यानी 1 सेल के अंदर भारत के 2 ऑफिसर्स एक साथ रहेंगे। पहले क्या होता था कि ये सारे अकेले अकेले रहा करते थे, लेकिन अब एक ही सेल के अंदर वहाँ पर 2 इंडियन नेवी के ऑफिसर्स एक साथ रहेंगे। अब ये पहली सबसे बड़ी रिलीफ है, 1 साल के अंदर बिल्कुल अकेले रहना, वो भी बिना किसी नेचुरल लाइट के और बिना किसी से बात किए हुए, ये काफी मुश्किल हो जाता है, और इस वजह से भारत के जो 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स थे उनकी जो मेंटल हेल्थ थी उसके ऊपर भी काफी असर पड़ रहा था, और उनके लिए इस तरह की सजा ये काफी मुश्किल होते जा रही थी। इसलिए अब कतर की अथॉरिटीज ने ये भारत के 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को बहुत ही बड़ी रिलीफ दी है,
और इन भारत के 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स को 8 में से 4 सेल्स में शिफ्ट किया जाएगा और 4 सेल्स में 2-2 करके इन सबको रखा जाएगा। इसके साथ ही दूसरी रिलीफ ये निकल कर आ रही है कि कतर की अथॉरिटीज ने डिसाइड किया है कि ये जो 8 इंडियन नेवी के ऑफिसर्स वहाँ पर डिटेन किए जा रहे हैं, इनको अपनी फैमिली से भी वहाँ पर मिलने दिया जाएगा। भारत से जो भी इनके फैमिली मेंबर्स कतर जाकर इनसे मिलना चाहते हैं, उनको वहाँ पर परमिशन दी जाएगी। अब कतर ने ये नहीं बताया कि उनको हफ्ते में एक बार मिलने दिया जाएगा या फिर महीने में एक बार मिलने दिया जाएगा, लेकिन कतर ने कहा है कि अगर इन सबकी फैमिलीज भारत से कतर जाती हैं और वहाँ पर इनसे मिलने की परमिशन मांगती हैं, तो उनको मिलने दिया जाएगा। इसके साथ ही तीसरी सबसे बड़ी रिलीफ ये निकल कर आ रही है कि कतर की अथॉरिटीज ने इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स को भारत में अपनी फैमिलीज और अपने रिलेटिव्स को कॉल करने की परमिशन दे दी है। और खबर निकल कर आ रही है कि अब ये 8 भारत के अंदर अपनी फैमिलीज और अपने प्रियजनों को हफ्ते में एक बार कॉल कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली बात है कि इन सभी फैमिली मेंबर्स कतर में जाकर वहाँ पर तो मिल नहीं पाएंगे, इसलिए कतर ने कहा है कि अगर ये चाहे तो भारत में जो इनके फैमिली मेंबर्स या फिर रिलेटिव्स रहते हैं उनसे भी फोन कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि भारत की जो कतर के अंदर वहाँ पर एम्बेसी है, वहाँ पर जो भारत के डिप्लोमेट्स पोस्टेड हैं, कतर ने उनको इंडियन नेवी के अरेस्टेड ऑफिसर्स के साथ मिलने की भी परमिशन दे दी थी। अब अगर इस पूरे केस को देखा जाए तो कतर यहाँ पर भारत के इन 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स के ऊपर आरोप लगा रहा है कि कतर का एक सबमरीन प्रोजेक्ट है और भारत के ये 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स उसी सबमरीन प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ जानकारी चोरी करके इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी, इजराइल की खुफिया एजेंसी यानी कि मोसाद को वहाँ पर ट्रांसफर कर रहे थे। और कतर इसके साथ ये भी क्लेम कर रहा है कि उसके पास इस बात के पूरे पुख्ता सबूत हैं और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं। हालांकि कतर की सरकार ने और जो कतर की अथॉरिटीज हैं, उन्होंने वो एविडेंसेस यानी कि सबूत भारत के साथ अभी तक शेयर नहीं किए हैं। लेकिन खुशी की बात है कि फिलहाल कतर की जो अथॉरिटीज हैं और जो वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, एजेंसीज हैं, उन्होंने भारत के इन 8 इंडियन नेवी के रिटायर्ड वेटरन्स को फिलहाल के लिए 3 बहुत ही बड़ी रिलीफ दे दी हैं। और हाँ, लोकतांत्रिक देश होने के नाते हम भी कतर की कोर्ट और वहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर इस पूरे केस को देखा जाए तो ये कतर के अंदर वहाँ पर काफी स्लो पेस में चल रहा है। पिछली हेयरिंग जुलाई महीने में हुई है और अगली हेयरिंग 3 अक्टूबर को है, यानी 3 से ज्यादा महीनों का गैप है, लगभग 100 दिन का गैप। और इस बीच जब इन भारत के 8 रिटायर्ड इंडियन नेवी के ऑफिसर्स के खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं वो पूरी तरह से प्रूव नहीं हुए हैं, यानी साबित नहीं हुए हैं, उसके बावजूद इन 8 को अभी तक एक टेररिस्ट की तरह वहाँ पर इनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, जबकि अभी तक गिल्टी भी प्रूव नहीं हुए हैं। और जो कतर की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इस केस से संबंधित कोई भी डिटेल भारत के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रही है। ऐसे में हम कतर के ऊपर कैसे बिलीव कर सकते हैं? और इस बात के भी चांसेस काफी ज्यादा हैं कि इस पूरे केस में पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी यानी कि जो ISI है वो भी इन्वॉल्व हो और उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से ये भारत के जो 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जो कतर की नेवी को वहाँ पर ट्रेनिंग देने का काम किया करते थे, ये वहाँ पर फंस गए हैं। और कतर को इस एंगल को भी देखना चाहिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान स्वाभाविक दुश्मन है और पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि भारत के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो इसी तरह से कतर की नेवी को वहाँ पर ट्रेनिंग देते रहें और भारत और कतर लगातार आगे करीब आते जाएं। इसलिए कतर को इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एंगल को भी खंगालना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि कतर की जो अथॉरिटीज ने भारत के जो इंडियन नेवी के वेटरन्स हैं जिनको उन्होंने अरेस्ट किया है, इनको जो ये 3 बड़ी रिलीफ दी है, क्या इसके लिए कतर को थैंक्स बनता है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।